75 के 75 जनपदों में आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी इतनी सुविधा कॉमन मैन को कभी नहीं मिली है। और इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट को तो होता ही है, लेकिन आप सबको भी इसका लाभ होता है, क्योंकि आपको एक डॉक्टर को जैसे एक पिता को इस बात पर खुशी होती है उसका पुत्र सफलता की नई मंजिल चढ़ रहा है, एक गुरु को इस बात पे सब अच्छी खुशी होती है, उसको आत्मिक संतुष्ट होता है कि उसका शिष्य अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे एक डॉक्टर इस बात से संतुष्ट होता है कि उसने जिस पेशेंट का उपचार प्रारंभ किया है उसके रिजल्ट बेहतर आए हैं, अच्छी दिशा में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट के साथ साथ आपको भी प्राप्त हो रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र का एक आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1,00,000 रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1,00,000 से काम होता है क्या? तो ऐसे ही होता फिर तो हम भी बोलते हुए डॉक्टर से सबसे कहते हुए काम करते हैं कि आपको टोकन मनी वेतन के रूप में देते हैं, आप जो है बाद में कभी ले लेना, जब हमारे हम नहीं रहेंगे तब बाद में ले लेना, क्या ऐसे काम चलेगा? लेकिन हम लोग आए, मैं पिछली बार यहाँ पे कोरोना कालखंड में आया था, मैं देख रहा था यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, सांसद विधायक दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनना चाहिए। मैंने यहाँ का विजिट किया था, यहाँ पे कोरोना कालखंड में पेशेंट को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ के चिकित्सक कर रहे थे, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट कर रहे थे। लखनऊ गया, बैठक लेकर के हमने कहा भी तत्काल पैसा उपलब्ध कराओ, और मुझे प्रसन्नता है एक समय सीमा के अंदर आज बन करके तैयार हो गया। 500 करोड़ रुपए एक सुपर स्पेशलिटी के पूरे ब्लॉक को बनने में खड़ा हुआ है।